यदि आप हिंदू हैं, तो जल्द गहरी निद्रा से जाग जाएं और अपने प्रत्येक वर्ग के भाई बहनों को साथ लेकर चलें, क्योंकि हिंदू समाज के एक अभिन्न अंग को अलग थलग करने के प्रयास अलग अलग माध्यमों से निरंतर जारी हैं। ब्रिटिश समय से ईसाई मिशनरी इस काले कारनामे को पूर्ण करने में जुटी है। वनवासियों को आदिवासी बताकर उनके मन में जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। इसका एक उदाहरण सरनाकोट बिल जैसे परिणाम है। इस बिल के समर्थन में तर्क दिया गया कि वनवासियों की धार्मिक पहचान हिंदू न होकर पृथक सरना धर्म से है और सरना धर्म कोड को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर पारित करवा दिया गया। जबकि सत्य यह है, सरना शब्द जनजातीय शब्दावली में कहीं पाया ही नहीं जाता। सरना कोई धर्म नहीं है। जिस सरना शब्द का प्रचलन मात्र रांची के आसपास के 4-5 जिलों तक ही सीमित है, उसका आशय भी धार्मिक मान्यताओं से नहीं बल्कि उन पवित्र साल या महुआ वृक्ष वाटिकाओं से है जिन्हें वनवासी पूजनीय मानते हैं। इन सरना स्थलों की पूजा जनजातीय व गैर जनजातीय दोनों ही लोग समान रूप से करते हैं। आने वाली जनगणना में जहां अलग से सरना धर्म की मांग की जा रही है, वहीं यह जानना आवश्यक है कि इतिहास में भी जनगणना आयुक्तों ने वनवासी बंधुओं और हिंदुओं में कोई भेद नहीं माना है। 1901 के जनगणना आयुक्त यानी सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिजले ने माना कि हिंदू मूलतः प्रकृति पूजक हैं और इस नाते जनजातीय जीवात्मावाद और हिंदू धर्म में कोई स्पष्ट भेद नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार 1891 के सेंसस कमिश्नर जे ए बैंस ने भी माना था कि जनजातीय व गैर जनजातीय समूहों में इसलिए धार्मिक अंतर नहीं किया जा सकता क्योंकि हर वर्ग में जीवात्मावादी कल्पना है। 1921 के पीसी टैलेंट्स ने तो अगली जनगणना में एमिनिस्ट कॉलम को समाप्त कर हिंदू धर्म में ही पूरी तरह विलय करने की वकालत भी की। इस पूरे प्रकरण में कैथोलिक चर्च बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। रांची के आर्च बिशप फिलिक्स टोपो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर वनवासियों की भाषाई सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान बनाए रखने के लिए सरना कोड पास कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग की थी। इस कैथोलिक चर्च का इतना उत्साह कहीं न कहीं संदेह पैदा करता है कि सरना धर्म कोड की मांग उतनी सीधी नहीं है जितना इसे बताया जा रहा है। वनवासियों को हिंदू समाज से तोड़ने का लाभ अंततोगत्वा ईसाई मिशनरियों को ही मिलने वाला है। यह भी कोई संयोग नहीं कि सरना धर्म कोड की मांग पहली बार उसी 80 के दशक में उठाई गई जब वैटिकन सांस्कृतिक संक्रमण या इनकल्चरेशन को अपनी औपचारिक नीति बनाने के लिए धार दे रहा था। जबकि सिंदूर की रस्म, प्रसाद वितरण, कपाल क्रिया, अस्थि विसर्जन, जन्म व व्रत, श्राद्ध, धरती माँ की कल्पना व मास पर्व ऐसी अनेक समानताएं हैं जो वनवासी बंधुओं के हिंदू समाज से जुड़ाव को दर्शाती हैं। जनजातीय लोग बड़े स्तर पर न मात्र शिव, पार्वती और दुर्गा की पूजा करते हैं बल्कि उनके नामकरण भी हिंदू देवी देवताओं के नामों पर होते हैं। छत्तीसगढ़ के वनवासियों में तो रामायणी और पांडविनी के माध्यम से रामायण और महाभारत की कथाओं का प्रसार भी होता है। झारखंड में कई स्थानों पर सर्व समाज राधा कृष्ण लीला के रास मेले भी आयोजित करता है। अब कुछ एक जनजातीय मंचों ने हिंदू समाज को तोड़ने वाले सरना कोड बिल का विरोध भी आरंभ कर दिया है, परंतु यह मांग आने वाले समय में क्या रूप लेगी यह भविष्य ही बताएगा। इतना तय है कि जब तक हिंदू समाज संगठित नहीं होगा, अपनी धर्म संस्कृति के प्रति जागृत नहीं होगा, ऐसी अनेक चुनौतियां उसके सामने आती रहेंगी।